जल जीवन मिशन पंचकुला के खंड बरवाला के कम्युनिटी सेंटर में जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में ग्राम पंचायतों में बनाई गई ग्राम जल एवं सीवरेज समिति के सदस्यों ने भाग लिया। कार्यशाला के आरंभ में खंड बरवाला के बीआरसी नरेंद्र मोदगिल जी ने उपस्थित सभी समिति सदस्यों, मुख्य अतिथि व उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया। इस प्रशिक्षण शिविर के आयोजन का मुख्य उद्देश्य ग्राम जल एवं सीवरेज समितियों में क्षमता वर्धन करना था। आज के इस प्रशिक्षण शिविर में खंड बरवाला सभी पंचायत ने भाग लिया और प्रशिक्षण का लाभ उठाया। इस प्रशिक्षण में मुख्य रूप से उपस्थित जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन की जिला सलाहकार आरजू चौधरी, लैब केमिस्ट सोनिया बड़ेसरा, उपमंडल अभियंता धर्मेंद्र, कनिष्ठ अभियंता इंद्रजीत तथा अनुभव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जिला सलाहकार आरजू चौधरी ने ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों को जल संरक्षण विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी तथा भविष्य के जल संकट से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय बताए। इसके साथ साथ लैब केमिस्ट सोनिया बड़ेसरा ने दूषित जल से होने वाले बीमारियों के बारे में जानकारी दी तथा समय समय पर पानी की जाँच करवाने के लिए प्रेरित किया। इसी खड़ी में है खंड मोरनी के बीआरसी सुभाष चंद्र ने सभी पंचायत समितियां को समिति के कार्यों के बारे में जानकारी दी। आज के इस प्रशिक्षण शिविर में मुख्य रूप से है पंचायत समिति के सदस्यों ने अपने अपने अनुभव भी बताए। उन्होंने बताया कि गांव में किस प्रकार पहले लोग पानी की बर्बादी करते थे और उन्होंने लोगों को पानी के बारे में जागरूक करते हुए लोगों से पानी की बचत करने की अपील की, जिसको मानते हुए लोगों ने पानी की बचत करना शुरू किया और गांव में पानी की व्यवस्था में सुधार हुआ। प्रशिक्षण कार्यशाला में खंड रायपुर रानी के बीआरसी पाल सिंह ने भी अपने विचारों से सभी पंचायत समिति सदस्यों को प्रशिक्षण दिया और पानी की बचत करने के उपाय बताए। उन्होंने विभिन्न प्रकार के उदाहरण देते हुए लोगों को पानी की बचत करने के लिए प्रशिक्षित किया। इस अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर संजीव कुमार ने लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया। आज के इस कार्यशाला में उपस्थित उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरपंचों एवं अधिकारियों को विभाग द्वारा पौधे भेंट कर सम्मानित किया गया।